लोगों के मुंह से कभी भारत के टुकड़े होने का नारा लगा था। सुना है मेरे इस भाषण से पहले उसी कांग्रेस के दल के कुछ नेता यहां आए थे, रुखसत हुए हैं, लेकिन जाते जाते इंदौरा की जनता का जयकारा अपने संग लेकर जाएं, अपने युवराज को बताएं कि यहां है हर हिंदुस्तानी के दिल में भारत धड़कता है, तो बोलो भारत माता की। एक महिला प्रत्याशी आपके सम्मुख आज रो पड़ी। मन में कृतज्ञता का भाव, जनता के प्रति ये आदर कि आपने प्रेम और सम्मान देकर उसके सर पर कर्ज चढ़ाया है। सच कहूं तो अगर मैं रीता जी का जीवन देखूं, रीता जी फौज में आपके पिताजी ने सेवा दी है, फौजी की बेटी का हम पर कर्ज है, हमें उतारना है, 12 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाना है और कमल का बटन। किस संकल्प के साथ आज हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं? ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। जो व्यक्ति ये गलत फहमी पाल रहा है, आज मैं उससे बात करने आई। ये चुनाव साधारण इसलिए नहीं क्योंकि एक घमंड उभरा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं में कि रिवाज है बदल डालेंगे, रिवाज है हमको वोट डालेंगे। आज मैं कहने आई हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता